बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद अली। हम अपने प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन साहब क़िबला। आज का मौजू है दुआ के फ़ायदे, उसी के उनवान से आइए क़िबला से गुफ्तगू करते हैं। क़िबला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन को माह रमज़ान मुबारक की सआदतों के लिए तहदीए तबरीक पेश करता हूँ और अपने साथ उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार के सच्चे मेहमानों में से हमें एक मेहमान करार दे इंशाअल्लाह, और हमें इस लायक बनाए कि हम उसके रज़ा का हुसूल जिस चीज़ों से मुमकिन है उसको कर सकें। आज का मौजू जो हमें दिया गया है कि दुआओं की अहमियत क्या है, ज़ाहिर है कि ये बहुत आम मौजू भी है और इसके ऊपर मुख्तलिफ जहत से लोग सुनते रहते हैं। बस मैं जो बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ, परवरदिगार आलम खुद अपने नबी से जब ये बात कह रहा हो, ए मेरे हबीब, जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करें मेरे सिलसिले में तो कह दे कि मैं इनसे बहुत करीब हूँ, इन्हें उजीब दावत अद्दाई इज़ादान, मैं जवाब देता हूँ जब दुआ करने वाला मुझे पुकारता है। तो अब इससे बढ़कर अहमियत क्या होगी कि इंसान की बात का जवाब परवरदिगार देने लगे, गुनाहगार की बात का जवाब परवरदिगार देने लगे, खताकार की बात का जवाब परवरदिगार देने लगे, अल्लाह अल्लाह होते हुए हमारी बात का जवाब देने लगे, तो इससे बढ़कर कोई अहमियत हो सकती है? ऐ मेरे बंदे, मुझसे पुकार, मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ, मैं तुझे जवाब देता हूँ। ये जो बार बार उदऊनी अस्तजिब लकुम के फ़िक्रे, या दुआ मोमिन का असलाह है, दुआ मुखुल इबादा है, दुआ, ये सारे फ़ज़ाइल जो मासूमिन ने बयान किए हैं कि दुआ क्या क्या है, हम जानते हैं, इनको बराबर सुनते रहते हैं बहुत अच्छी तरीक़े से, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, सलीका भी दुआ का कुछ होना चाहिए। बिलखसूस माह रमज़ान मुबारक में जो हमारे लिए वो फरीज़ों के बाद दुआएं हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, कैसे हमसे कि दुआएं कराई जा रही हैं, मासूम के अल्फाज हैं, उन अल्फाज को ज़बान पे जारी करना है, उन अल्फाज को आप देखिए कितनी दुआ कर रहे हैं आप, हर तरीक़े से मुसलमानों की बहबूदी के लिए, मरीज़ों की सेहत के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब दुआएँ। भाई आप माह रमज़ान मुबारक में फरीज़े की नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद मुसलसल आपसे कहा जा रहा है, या अली हो या अज़ीम, या गफूर हो या रहीम, अंदर रब्बुल अज़ीम अल्लज़ी लैसा कमिस्ले शय, यहाँ से गुफ्तगु शुरू की जा रही है, काहे के लिए? फिर उसके बाद कहा जा रहा है अल्लाहुम्मा अदखिलना अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, पढ़ो ये पूरी दुआ तफसील से, क्यों पढ़ें? सहर के हंगाम दुआ पढ़ो, और उस दुआ में एक जुमला बिलखसूस जिसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। हम दुआएं सहर पढ़ने के लिए उठें, सहर खाना खुद अपनी जगह फजीलत रखता है, हत्ता रवायत के फिक्रे यहाँ तक हैं, चाहे एक घूट पानी और एक खुरमे से सहर हो मगर करो, इतनी अहमियत इसकी है। इन्ना अनज़लना की सूरह तिलावत करो, दुआ अबू हमज़ा शमाली अगर पढ़ने की तौफीक है तो उसे पढ़ो, दुआए इफ्तिताह पढ़ने की तौफीक है जब बोले शब में दुआए तो इफ्तिताह पढ़ो, दुआए सहर तफसील से जो आई है उसको पढ़ो, दुआए सहर मुख्तसर हर जगह लिखी जाती है कि ये पढ़ो, या मफजई इंदा कुर्बती व या गौसी इंदा शिद्दत इलैह का फजीअत हो व बेकस्त गस्त हो व बेकालुस्त हो, ये जो दुआ आप पूरी पढ़ते हैं लालुजुबे सिवाक वगैरह वगैरह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी दुआएँ, ये आहंग, ये सलीका, ये अंदाज़, ये तौर, ये हमको बख्शा गया है ताकि हम महसूस कर सकें कि परवरदिगार को पुकारना किस कदर ज़रूरी है।
इनमें जो अहम तरीन जुमला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन तुबाशिरु बिही कल्बी व यकीनन सादिका, चौथे इमाम का जुमला दुआए सहन में सुबह के वक्त जब आप पढ़ते हैं, परवरदिगार मैं तुझसे मांग रहा हूँ ऐसा ईमान जो मेरे दिल से होकर गुजरे, तुबाशिरु बिही कल्बी, और तुझसे यकीन सादिक का मुतालिबा कर रहा हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए, मौला हमको सिखा रहे हैं कैसे मांगो कौन सा ईमान, खाली इतना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान से कह लेना और याली नारा लगा लेना, क्या ये काफ़ी? नहीं नहीं, वो ईमान मांगो जो तुम्हारे दिल से गुजरे, दिल को छू कर गुजरे, तुबाशिरु बिही कल्बी, दिल के मस होकर गुजरे, दिल की गोशे गोशे में जो छा जाए वो ईमान मांगो, यानी दिल को मोमिन बना लो। अपना दिल जब मोमिन हो जाएगा तो फिर इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। तो आप ये देखिए, ये दुआएं हैं, इन दुआओं को हमें बयान पढ़ने के लिए मुसलसल कहा गया है। ये बंदा इतना नागारा है कि इसको परवरदिगार से दुआ करने के लिए फुर्सत ही नहीं होती। अजीब कैफियत है, नमाज वाजिब पढ़ेगा फौरन उठा उठ के चल दिया, बहुत एक तस्बीह पढ़ना भी बार होता है, ताकीब नहीं करता, ताकीबात में उतरेगा। चलो अल्लाह ने इसी बहाने माह रमजान मुबारक का एक महीना दिया, इसमें कम से कम तौफीक इबादत शुरू हो जाए, इसमें कुछ तौफीक ताअत शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ भी कैफियत होती है कि चलिए मस्जिद में लगे मादे उसूल के साथ आए, इफ्तार वहाँ में किया, अब नमाज जमात में आया तो दुआ हो रही है, तो फिर चलिए हमने सुन लिया। लेकिन हमने खुद अपने शौक़ से, अपनी दिलचस्पी से, अपनी तलब से कितनी दुआ मांगी परवरदिगार से, क्या हाजत मांगी हमने, क्या उससे तमन्ना की, क्या हमने उससे इत्तमास किया। नफ्स को पाकिज़ा कर रहा है माह रमज़ान, नफ्स को ताहिर बना रहा है माह रमज़ान, मगर तवज्जो भी तो उधर दो, अपने माबूद से भी तो गुफ्तगू करो। 24 घंटे हमारे पास टाइम के हैं, इन 24 घंटे में 23 घंटा मैं कह रहा हूँ वो बहुत उस यानी वसअत के साथ 23 घंटा आप गुजार रहे हैं अपने बारे में, एक घंटा तो परवरदिगार के बारे में गुसब कर दिया जाए। पूरे इस 24 घंटे में अगर हम एक घंटा भी तवज्जो अपने परवरदिगार, ये तो एक घंटा मैंने बहुत ज़्यादा कहा है, वहाँ तो तवज्जो अगर 5 मिनट भी खुलूस के साथ हो जाए तो वो परवरदिगार हमें बहुत कुछ नवाजता है। कहने का मकसद ये है कि हम उसकी दुआ है क्या, दुआ परवरदिगार से कलाम का नतीजा। गुफ्तगू जब परवरदिगार से करता है आदमी तो फिर इश्क पैदा होना चाहिए उसके अंदर। हम जब किसी से चाहते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं, हम अपने परवरदिगार से मोहब्बत तो करें, हम अपने परवरदिगार से इश्क तो करें, तब ना गुफ्तगू करने का सलीका पैदा होगा, तब हम बातें कर सकेंगे परवरदिगार से। लेकिन हमारे अंदर वो इश्क पैदा ही नहीं होता, हमारे अंदर वो इलाका पैदा ही नहीं होता अपने परवरदिगार की तरफ। इसलिए कि नफ्स अमारा जो हमारे अंदर है, जो बुराइयों पे उभारने वाला है, ये हालांकि शैतान में कहा जाता है कि माह रमज़ान में शैतान के ऊपर ये उस बंदिश लग जाती है, लेकिन उस शैतान पे बंदिश लग जाती है जो नफ्स का शैतान है, इसके ऊपर बंदिश कौन लगा रहा है? ये तो आपको लगाना पड़ेगा, ये तो आपको रोकना पड़ेगा। तो नफ्स अमारा जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ, अब हमारे नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखने का शौक़ जिन बच्चों में है, अव्वल तो बहुत से नौजवान वो हैं कि जो परवाह ही नहीं करते भाई, रोज़ा अल्लाह ने बालिग लड़के के ऊपर जो 15 साल के मुकम्मल कर चुका है उसके ऊपर फ़र्ज़ किया है, वो अब वो रखना भी चाहता है तो बाज़ औक़ात तो बुज़ुर्ग कह देते हैं यार नहीं कमज़ोर है जाने दो बाद में करना, कभी घर के बुज़ुर्ग लोग, कभी ख़ानदान के, अरे अभी से तुम्हारा लड़का रोज़ा रखने लगा अभी तो बहुत, ये इस तरीके के माहौल जो हमारे माशरे में देखने में आता है। लोग ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनको रोक करके इनके लिए वो रास्ता कि जो इनके सआदत का है उस पर पहरा बिठा रहे हैं।
हमें तो और शौक देना चाहिए। बेटा क्या कहना, अरे तुमने रोजा रखा और उम्दा, ये बेटा बहुत अच्छी बात है। देखो अल्लाह ये जजा देता है, अल्लाह ये इनाम देता है। जब शौक दिलाएंगे तो उस बच्चे में और जज्बा पैदा होगा। और उसी बच्चे से जब हम कहें बेटा तुमने रोजा रखा ना, परवरदिगार से कुछ मांगो भी तो, कुछ दुआ भी तो करो, कुछ तलब भी तो करो। वालिदैन रहनुमाई करें, बेटा ये वाली दुआ पढ़ लो, बेटा ये काम कर लो, बेटा वो काम कर लो, इस तरीके से तो इनको सलीका पैदा हो जाए। लेकिन होता क्या है कि ये बात हमारे घरों में पाई नहीं जाती। माशरा इसी बुनियाद के ऊपर पीछे जा रहा है कि इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं है। हमने कहा ना कि अभी इब्तदा में दुआ के बारे में कहा गया, दुआ मुखुल इबादा, इबादतों का मकस है दुआ। इसी मकस से खाली हम इबादत पेश कर रहे हैं। मकस है मकस, इसे समझो। गूदा जिसको हम कहते हैं, उसी के अंदर लज्जत होती है। जो दुआ में लज्जत है वो किसी चीज़ में तो लज्जत नहीं है। इलाही मेरे परवरदिगार, उबैद अबीद का बेबाबिक, तुम्हारा बंदा, तेरा बंदा तेरे दरवाजे पे खड़ा है। मासूमीन इस तरीके से हमको समझा रहे हैं और हम जो है वो उसके दरवाजे से भाग रहे हैं। तेरा बंदा तेरी राह में कुर्बान होने को तैयार है। कैसे कुर्बान होने को तैयार है भाई? कहाँ है हमारी वो कैफियत कि हम उसके राह में कुर्बान होने को तैयार हो जाएं? जो वक्त नहीं अल्लाह के लिए दे सकता वो अपनी जान के अल्लाह के लिए देगा। जो लम्हात नहीं दे सकता अल्लाह के लिए, वो घंटा क्या अल्लाह के लिए सर्व करेगा, और क्या दिन सर्व करेगा, और क्या रात सर्व करेगा। ये है असल मरहला। दुआ की ज़रूरत और अहमियत इतनी है कि ये दुआ ही है कि जो तकदीर इंसान को पलट देती है, किस्मत के लिखे को बदल देती है। बात करो परवरदिगार से, यमहुल्लाहु मा यशा व यस्बुत, जो अल्लाह चाहता है वो मिटा देता है और जो चाहता है उसको नक्श कर देता है। तुम अगर चाहते हो तुम अपने परवरदिगार से मांगो। हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती तो हम कहें क्या, अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लिया दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन मासूम ने ये तो यकीन दिलाया कि ये दुआएं जो तुम्हारी कबूल नहीं हो रही हैं ये ज़खीरा है। हमें यहीं थोड़ी रह जाना है, हमें आखिरत में भी तो जाना है। तो आखिरत के लिए ज़खीरा ना कबूल हो, ज़खीरा तो हो रहा है आखिरत के लिए, आज नहीं तो कल हमको सिला। इसलिए कि वो परवरदिगार है, उसने जब हमसे कहा है कि तुम मांगो तो ये मुमकिन नहीं है कि हमसे कहे मांगो और दे नहीं, यहाँ नहीं दे रहा है तो वहाँ देगा। देना है उसे, अता करना है उसे। लिहाजा दुआ से रग़बत पैदा होनी चाहिए, दुआ के अंदर इंसान की तवज्जो पैदा होनी चाहिए। और जितनी तवज्जो जितनी रग़बत इस दुआ की तरफ इंसान की पैदा होती जाएगी उतना ही शौक़ इबादत का बढ़ता चला जाएगा। क्यों? इससे कि जिस खुदा को पहचान कर हम उससे मांग रहे हैं उसी खुदा की तो इबादत करना है, उसी खुदा की तो ताअत करना है, उसी खुदा की तो बंदगी करना है। जब हम उससे मांग रहे हैं तो इश्क पैदा हो रहा है ना, रग़बत पैदा हो रही है। और जब रग़बत पैदा हो रही है तो फिर ज़ाहिर है अब हम सजदे में भी वो हुनर रखेंगे, रुकू में भी वो हुनर रखेंगे, हर जगह वो हुनर पैदा होगा जहाँ इश्क की कैफियत पैदा हो जाए, जहाँ हम उसकी तरफ मुतवज्जे रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ज़रूरी है। ये माह रमज़ान है, माह रमज़ान मुबारक इबादतों का महीना है। औकात हमें सर्व करना इन्हीं राह में, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान मजीद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं को पढ़ें, विर्द करें। कुछ नहीं, कम से कम एक बात तो बताइए, हमें इश्क है अहले बैत से? है ना, सबको इश्क है अहले बैत से। कौन ऐसा शिया है जिसको इश्क ना है? तो इस या ये इस तकाजा नहीं करता कि अगर हम खुद तौफीक नहीं रखते तो इनके कलामात तो अपनी ज़बान पे दोहरा दें। सईद सज्जाद ने जो दुआएं दी हैं, इमाम हुसैन ने जो दुआएं दी हैं, मौलाए कायनात ने जो दुआएं दी हैं, बीबी फातिमा से जो दुआएं हैं, इन सारी चीज़ों को, अरे ये तो इतने करीम लोग हैं कि जिन्होंने खुद दुआ दे करके अपने नाम भी नहीं रखी, दूसरे के नाम रख दिए। कभी आप सुनते हैं दुआए कुमैल है, कभी सुनते हैं दुआए हमजा से माली है, ये जो लफ्ज आप सुनते हैं क्या मतलब है? दुआ है मासूमी की, इन्होंने रख दिया अपने चाहने वालों के नाम। ये दुआए कुमैल हो गई, वो दुआए खिज़र हो गई, वो दुआए अब हमजा से माली हो गई, हैं वो दुआए समात के सिलसिले से इस तरीके से मुख्तलिफ फकरे आप मुलाहिज़ा फरमाइए। इन्होंने हमको सिर्फ इसलिए कि रग़बत हमारे अंदर पैदा हो, ख्वाहिश पैदा हो, हम तलब करने की सलाहियत पैदा करें। हाँ एक बात हम कह सकते हैं ज़रूर कि हमारे अंदर रग़बत क्यों नहीं पैदा होती। अमूमन हैं दुआएँ अरबी ज़बान में और हम अरबी ज़बान से नावाकिफ़ हैं,
لہٰذا ہمارے اندر رغبت نہیں پیدا ہوتی. ہم کہہ تو رہے ہیں, دیکھیں آپ مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں اللہم اقل علی اہل القبور السرور, پروردگار ان اہل قبر کے لیے خوشی فراہم فرما, ان کو قبر کے اندر خوشحالی عطا فرما. جو پروردگار کے سامنے مردوں کے لیے کہے کہ قبر میں خوشحالی عطا فرما, وہ اپنے اس پروردگار اس کو کیا اس دنیا میں خوشحال نہیں کرے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادخل علی اہل القبور السرور, اہل قبر کے اندر خوشی کو داخل کر دے, یعنی ان کے اندر ایک ماحول خوشحالی کا پیدا کر, یعنی ان کی تنگی کو دور کر, ان کے لیے وسعت پیدا کر. تو جو خدا سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قبر میں وسعت پیدا کرے, اس خدا کو کیا اس بات کا خیال نہیں ہوگا جو بندہ ہمارے مر جانے والے بندے کے لیے وسعت کا طالب ہے, ہم اس کو اس دنیا میں بھی وسعت عطا کریں؟ مگر ہم کہہ رہے ہیں, ہم جان نہیں رہے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغنِ کل فقیر, ہر محتاج کو بے نیاز بنا دے. تو بھیا ہر محتاج کو بے نیاز بنا, ہم بھی تو محتاج ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں نا, ہم بھی تو محتاج ہیں. اللہم اغنِ کل فقیر, آپ سوچیں ہم فقیر کے لیے دعا کریں, فقیر کے لیے دعا نہیں کر رہے, ہر محتاج کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم بھی محتاج ہیں. یہ ہے سلیقہ معصومین کا, کہ جو اس انداز سے ہمیں جو کلمات دہرائیں ہم سے کہا ہے اللہم اشف کل مریض, اللہم اب دیکھیے اس کے اندر سد فقرنا بغناک, ہماری احتیاج کو غنا کے ذریعے دولت کے ذریعے تو روک دے, سد باب کر دے, روک دے ہمارے فقر کو کائے کے ذریعے, غنا کے ذریعے, یعنی ہماری فقر کو دور کر دے مال دے دے کر کے. اوہ پروردگار سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ خالی زبان سے کسی سے کچھ کہیے تو وہ تو دینے والا نہیں, جب تک آپ کا دل اس میں شامل نہ ہو, جب تک آپ کی اس کی طبیعت شامل نہ ہو. مانگ رہے ہیں سب پروردگار سے, طبیعت نہیں ہے, مانگ رہے ہیں سب پروردگار سے, کوئی دل کے اندر اس کا مفہوم نہیں معلوم. لہذا ہم کوشش کریں کہ جو دعائیں ہیں جیسے صحیفہ سجادیہ ہے, اس کو ہم پڑھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, تب عشق پیدا ہوگا کہنے کا, تب سرور آئے گا پروردگار سے مانگنے کا. یہ یا مفزعی اندا قربتی, یہ کیا ہے؟ اے پناہ دینے والے مصیبتوں کے وقت. او کہہ رہے ہیں آپ اے پناہ دینے والے مصیبتوں کے وقت, آپ کے اوپر مصیبتیں ہیں تو ان مصیبتوں میں کیا پروردگار آپ کو پناہ نہیں دے گا؟ ہم جو اس سے مانگ رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی تو, کیا مانگ رہے ہیں, کس انداز سے مانگ رہے ہیں. تو دعا بہت اہم ہے بندوں کے لیے, کردار سازی میں, بندوں کو بندگی سازی میں, ہر طریقے سے یہ دعا انسان کے لیے معاون ہے. ہمیں ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ماہ رمضان کو اسی اعتبار سے جلالت و مکرمت کے ساتھ, شان کے ساتھ منانا چاہیے کہ جس اعتبار سے پروردگار عالم نے یا اس کے نمائندوں نے, ان کی حجتوں نے ہم سے چاہا ہے. پروردگار ہمیں توفیق فراہم فرمائے, سعادت ہم ماہ رمضان کی حاصل کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں, اذکار میں, اوراد میں. مختلف باتیں تو ہم سب سے کرتے رہتے ہیں, دنیا کے لوگوں سے روزانہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, وقت نکال کے اس ایک مہینے میں اپنے پروردگار سے بات کریں, وقت نکال کے اس ایک مہینے میں اپنے معبود سے بات کریں, وقت نکال کے اس ایک مہینے میں اپنے رازق سے بات کریں, اپنے خالق سے بات کریں. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہمارے لیے نہیں ہے. دعا بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے, ہمیں اس زندگی کو واقعاً بنانا ہے تو اس دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. آخرت بھی ہماری سنورے, دنیا بھی ہماری سنورے انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے, آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہے جو روزے کے لیے کہا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہا, روزہ میرے لیے میں اس کی جزا بنتا ہوں, یہ جو پروردگار عالم کا, یا جناب موسیٰ سے خطاب میں کہا سمتا جنتن للنار, تم نے روزہ رکھا ہے جہنم کی سپر حاصل کرنے کے لیے. تو روزہ جہنم کی سپر ہے, روزے کو روزہ سمجھنا ہے,
तो उसको वैसी बनाना भी पड़ेगा, ताकि अब सिफर जितनी मजबूत होगी उतना ही इंसान महफूज रहेगा। हम इसको जितना इबादत में बसर करके इस रोज़े को मजबूत से मजबूतर बनाते जाएंगे उतना ही जहन्नम से महफूज रहेंगे। परवरदिगार हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, हम सबको नेक तौफीकात फराहम फरमाए और माह रमज़ान की ताहतें कबूलियत का शरफ अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सुन रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन साहब क़िबला को। इंशाल्लाह कल फिर रात 8 बजे इसी प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी में बनारस के अज़ादार यूट्यूब चैनल पे नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।